फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंपैक्ट ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और मैं आज आपके लिए लाया हूं नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर से लेकर सिंपलीफिकेशन और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बढ़ते क्रम, घटते क्रम और भी चीजें। तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे जहां तक बताए थे, मतलब हम लोग बताए थे पिछले क्लास में अपरिमेय संख्या तक हमने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें परिमेय यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। तो जो दोनों जिसमें आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको बाद हमारा आता है सरलीकरण का नियम, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। क्या होता है, सरलीकरण का नियम, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो आते हैं हम लोग पॉइंट्स की तरफ, देखते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, किसी भी व्यंजक को सरल करते समय, मतलब सिंप्लीफाई करते समय, किसी भी व्यंजक को सरल करते समय सबसे पहले रेखा कोष्टक, ठीक है, रेखा कोष्टक को हम लोग हटाते हैं। तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे बाय द वे कोई हम क्वेश्चन ले लिए -2 -6, ठीक है, तो इसका हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -6 और -2 -6, तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, नॉर्मली सबको सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर इसको इस तरह लिखा रहे -2 -6 और ऊपर ये रेखा कोष्टक, ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका इक्वल टू लिखा जाएगा -2 -6, इस तरह से ब्रेकेट में इसको कर देंगे। और इसको बाद में तो पहले ब्रेकेट का सॉल्व किया जाता, तो माइनस और ये हो जाएगा 6 और माइनस कितना हो जाएगा -4, यानी इसका आंसर हो जाएगा -, ये प्लस हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना फर्क ये और ये। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी अगर सिंप्लीफाई करना है कोई भी अगर नंबर्स को, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को हटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि रेखा कोष्टक हटाने के बाद, रेखा कोष्टक जो है उसको अगर हम लोग हटा लें, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिडिल ब्रेकेट और उसके बाद बिग ब्रेकेट यानी मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि कोष्टक को, मतलब जितने भी ब्रेकेट्स हैं, ब्रेकेट्स को हटाने के बाद निम्नलिखित संक्रियाएं निम्न क्रम में करनी चाहिए, मतलब कुछ प्रोसेस है उसको एक सिक्वेंस, जितने भी प्रोसेस है उसको एक सीक्वेंस में करना है। अगर हम लोग सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो हमारा जो सिंप्लीफाई होगा यानी सरलीकरण जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये सारा उनको जो भी प्रोसेस है वो एक सीरीज, एक से मतलब सीक्वेंस में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, का मतलब क्या, कोष्टक, कोष्टक मतलब ब्रेकेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, भाग, डिवाइड। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड, जोड़, और उसके बाद ये होता है सब्ट्रैक्ट, घटाना। ठीक है, और उसके तो ये क्या सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे पहले ब्रेकेट, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा ट्रिकली माध्यम से लिखने में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकेट ऑफ लिख देते हैं, ब्रेकेट ऑफ डिवाइडेंड, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, और इसी को हम लोग बोल देते हैं BODMAS, BODMAS, इसी को रूल्स ऑफ BODMAS भी कहते हैं ये। तो सबसे पहले हम आपको सारे कंसेप्ट की जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अगर जब हम कराएंगे आपको तब ये सारे इसमें अगर हो सकता है आपको डाउट्स भी कुछ क्रिएट होते हैं, तो सारे डाउट्स क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे तो उस टाइम सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या में आरोही या अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहला रूल आता है कि जब हमारा भिन्न, जब भिन्न एक निश्चित, जब भिन्न सॉरी जब भिन्न के अंश तथा हर एक निश्चित क्रम में बढ़े,
ठीक है, एक निश्चित क्रम में बढ़े। जब भिन्न के अंश अंश तथा हर एक निश्चित क्रम में बढ़े तब तो अंतिम 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 भिन्न अंतिम भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। क्या हम बोले हैं, जब भिन्न के अंश तथा हर एक निश्चित क्रम में बढ़े तो अंतिम भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, जैसे 3/4 एग्जांपल हम देख लेते हैं, 3/4 उसके बाद है 4/5 और उसके बाद अगर हम लिख रहे हैं 5/6। ठीक है, तो इसमें देखे थे एक क्या, एक सीक्वेंस, मतलब क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, यहाँ पे क्या है एक सीक्वेंस में बढ़े, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उससे बड़ा ये, सॉरी मतलब सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। ठीक है, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो ये पहला इसमें रूल था क्या, जब भिन्न के अंश तथा हर एक निश्चित क्रम में बढ़े तब अंतिम भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न। तो यानी क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप के आ रहे हैं कभी भी, तो तुरंत इसको जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा, और उसके बाद वाला उससे छोटा, और उसके बाद वाला उससे छोटा होगा। ठीक है, तो अब रूल सेकंड पे आते हैं, नियम दूसरा। नियम दूसरा हमारा क्या कहता है कि भिन्नों का यानी क्या फ्रैक्शन का त्रियक गुणा, त्रियक गुणा करने पर जिसका करने पर जिसका अंश यानी न्यूमरेटर जिसका अंश बड़ा होता है, बड़ा होता है, वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, वह भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, जैसे बात करते हैं 3/4 और 4/5, ये था ना, हम लोग क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे, इसका इससे, ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 16। देखिए ये क्या हुआ, ये इससे बड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा 3/4 इज लेस देन 4/5, यानी 4/5 बड़ा है और 3/5 उससे छोटा है। ठीक है, ये समझ में आया। आगे अभी ये कंसेप्ट चल रहा है, आगे हम अभी आप लोगों को और क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहें। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर इस टॉपिक में या इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की डाउट्स या दिक्कत आ रही है तो तब भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।